दोस्तों नमस्कार। कल रात पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कुछ परिणाम घोषित किए हैं, परीक्षा परिणाम जो वार्षिक परीक्षा के थे। आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। विश्वविद्यालय ने जो परिणाम घोषित किए हैं उसमें बीएससी पार्ट 3, एमकॉम प्रीवियस और फाइनल, एमए हिस्ट्री फाइनल और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका प्रीवियस का था, एमए फिलॉसफी प्रीवियस का था और एमए लिंग्विस्टिक फाइनल का था। यह परीक्षा परिणाम घोषित किया है यूनिवर्सिटी ने और अलग अलग तरह से इसके परिणाम आए हैं। जो बीएससी पार्ट 3 का था एनुअल का रिजल्ट वो 53.05% रहा, जिसमें 8,955 लोग परीक्षा में शामिल हुए थे और 4,751 पास हो पाए हैं, जबकि 2,641 ये अनुत्तीर्ण रहे, 1,500 लोग पूरक में रहे और 63 रिजल्ट रोके गए हैं। 91 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए यानी कि उपस्थित रहे। एमकॉम प्रीवियस और फाइनल की अगर बात करें तो एमकॉम प्रीवियस का जो रिजल्ट है वो 39.5% रहा, बहुत कम रिजल्ट रहा। 1,228 लोग प्रविष्ट हुए थे इसमें और उसमें से 485 उत्तीर्ण हो पाए, 737 अनुत्तीर्ण रहे। आप समझ सकते हैं फेल होने वालों का प्रतिशत ज़्यादा है पास होने वालों के प्रतिशत से। पूरक किसी को नहीं मिला है, 6 के रिजल्ट रोके गए हैं, 147 अनुपस्थित रहे थे। फाइनल की अगर मैं बात करूं तो 1,581 लोगों ने फाइनल की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, 1,070 लोग उसमें पास हो पाए, 507 फेल हो गए, अनुत्तीर्ण रहे, कोई भी पूरक नहीं मिला, 4 के रिजल्ट रोके गए हैं, 128 अनुपस्थित रहे। ये कुल मिलाकर के एम कॉम का स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको बताया। एम ए हिस्ट्री फाइनल का जो एग्ज़ाम है उसमें 339 शामिल हुए, मतलब इतने लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें 265 पास हो पाए, 70 अनुत्तीर्ण रह गए, एक भी पूरक नहीं मिला इसमें और 4 रिजल्ट रोके गए हैं, 49 एब्सेंट रहे। और उमन ला और जनरल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें 14 लोग शामिल हुए थे, 14 के 14 पास हो गए, 100% रिजल्ट रहा इसका। फिर उसके बाद बात करूं मैं एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एनुअल की बात कर रहा हूं मैं और ये प्रीवियस की बात कर रहा हूं, तो इसमें 36 स्टूडेंट जो है उन्होंने फॉर्म भरा था, 25 लोग पास हो पाए हैं, 11 लोग इसमें फेल हो गए हैं, 7 एब्सेंट रहे, 7 लोगों ने परीक्षा ही नहीं दी। तो इस तरह से 69.44% रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए प्रीवियस का रिजल्ट। इसके बाद बात करूँ एमए फिलॉसफी दर्शन शास्त्र प्रीवियस की, तो इसमें 36 लोगों ने फॉर्म भरा, 29 लोग इसमें परीक्षा में शामिल हुए, उत्तीर्ण हुए, 29 लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 7 लोग अनुत्तीर्ण रह गए और किसी को पूरक इसमें नहीं मिलता, कोई रिजल्ट में नहीं रोका गया है, 5 लोग अनुपस्थित रहे हैं। 80.56 का रिजल्ट रहा। एमए लिंग्विस्टिक की अगर मैं बात करूं तो 5 लोग ही परीक्षा में शामिल हुए थे, 5 के 5 पास हो गए हैं, एक भी इसमें फेल नहीं है, कोई पूरक नहीं है, 2 अनुपस्थित रहे, 100% का रिजल्ट रहा। तो ये जो शामिल परीक्षार्थी और रिजल्ट के बेसिस पे ये पूरा का पूरा स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको समझा दिया। रविशंकर विश्वविद्यालय ने एक साथ 8 परिणाम आज घोषित किए हैं, कल रात को 15 जून की डेट पर ये डिक्लेरेशन है। इसकी पूरी PDF है लगभग 50 पेज की, वो मैंने आपकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हुए अपलोड कर दिया है, हालांकि ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू जा करके आप इस पूरे रिजल्ट को देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम को लेकर के थी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब फिर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।